ठाकुर रामपाल सिंह जी राजपूत सिलवानी विधायक एवं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन को जन्मदिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से वैभव जैन, सौरभ जैन। मध्य प्रदेश के शहडोल में रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर आरजू कटारे की यूपी के कानपुर में शादी को महज 17 दिन बाद ही हत्या कर दी गई और इसके बाद ससुराल वाले हत्या को हादसा साबित करने में लगे रहे। दहेज लोभी हत्यारे पति व परिजन पर सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर शहडोल शहर के लोगों ने फेसबुक व ट्विटर के साथ सड़क पर उतर कर कैंडल मार्च निकाला। यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी नाथ से आरजू कटारे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर योगी सरकार के नाम जिले के कलेक्टर व एसपी को एक ज्ञापन सौंपा गया। शहडोल जिले के बहुप्रसिद्ध ईटा व्यवसायी नीरज कटारे की पुत्री सॉफ्टवेयर इंजीनियर आरजू का विवाह 8 दिसंबर को कानपुर यूपी निवासी अमनदीप गुप्ता के साथ हुआ था, किंतु 25 दिसंबर को सुबह 11 बजे ससुराल पक्ष से जानकारी मिली कि आरजू की मौत गीजर के करंट से हो गई है। जब शहडोल से परिजन वहां पहुंचे तो पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि आरजू की मौत गला घोटने से हुई है। इस घटना को लेकर नगर के लोग दुखी व आवेश में हैं। आरजू को न्याय तभी मिलेगा जब ससुर आरसी गुप्ता, पति अमनदीप गुप्ता, ननद आरजू गुप्ता, सास पिंकी गुप्ता व रिश्तेदार श्वेता कटारे को गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर सजा दी जाए। दहेज लोभी हत्यारे पति व परिजन पर सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर शहडोल शहर के लोगों ने फेसबुक व ट्विटर के साथ साथ सड़क पर उतर कर कैंडल मार्च निकाला। यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरजू कटारे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर योगी सरकार के नाम एक जिले के कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। कैंडल मार्च व ज्ञापन देने वालों में सभी दलों के प्रतिनिधि व बड़ी संख्या में नागरिक शामिल रहे। बता दें कि मध्य प्रदेश के शहडोल के रहने वाले ईंटों के कारोबारी नीरज कटारे की इकलौती बेटी थी आरजू कटारे, जिसकी शादी 8 दिसंबर को केशव नगर के रहने वाले अमनदीप से बड़े ही धूमधाम से की गई थी। अमनदीप बेंगलुरु में इंजीनियर है जबकि आरजू भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मृतका के पिता ने सोचा चलो दोनों एक ही फील्ड से हैं, दोनों के विचार मिलेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि शादी के बाद जिस बेटी को ससुराल विदा कर रहे हैं वो महज 17 दिन बाद ही बेटी इस दुनिया से विदा हो जाएगी। आरजू की मौत की खबर के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टैग कर आरजू के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग की जा रही है। तो वहीं जिले की होनहार बेटी आरजू को न्याय दिलाने के लिए शहर के हर वर्ग के लोग एकजुट होकर शहर में कैंडल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच योगी सरकार के नाम जिले के कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपा। पता नहीं अब क्या कहना चाह रही थी, हम तो बिल्कुल परेशान है शब्द से कि क्या रह गया उसके दिल में राज ऐसा। क्या करना, कैसे हम आई अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएं, कैसे हम अपनी बेटी को लेके आए। हमारा तो एक मिनट हम अपनी बिटिया के बिना नहीं रहते थे, कैसे हम उसके बिना रहेंगे, जिंदगी गुजारेंगे। अपने अपने क्या मांग चाहते हैं अभी उत्तर प्रदेश सरकार से? हम तो चाहते हैं कि इनको अपराधियों को कौन है बिल्कुल सामने लाके कठोर से कठोर दंड दिया जाए और इतनी यातनाएं दी जाए, इतनी यातना दी जाए कि जिंदगी में किसी कैदियों को इतनी यातना न दी गई हो। और मैं चाहती हूँ कि वे सब मेरे सामने हो, मैं अपनी आंखों से देखूं कि मेरी बेटी के साथ जैसे उससे हजार गुना लाख गुना इन लोगों के साथ हो। मैं बिल्कुल न्याय चाहती हूँ यूपी प्लस से। मैं तो अनशन करने पे बैठ गई थी कि मुझे अन्न जल त्याग के योगी जी से हमको बात करना है। मैंने ट्विटर में डाला है कि हमको हमको न्याय चाहिए, हमको बात कर योगी जी से मिलवा दो। पर सब लोगों ने बोला इतना संभव नहीं है। पर यूपी सरकार में क्या संभव नहीं है? क्या बेटी एक 15 दिन के अंदर बेटी मार दी गई, क्या यह संभव नहीं है? क्या हमको मिलना नहीं अधिकार नहीं है कि हम मोदी जी योगी जी से बात कर सके? क्या हमको ऐसी बेटी बेईमान दुखे आती रोती रह जाएगी जिंदगी भर? क्या हमको न्याय चाहिए? बस हमको इंसाफ चाहिए। आज हम लोग सब लोग अपने शहर की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सब एकत्रित हुए हैं।
हर एक समाज के लोग और पूरे शहर के लोग दुखी हैं, जो हमारे बच्ची के साथ 8 दिसंबर को उसकी शादी होती है और 25 दिसंबर को इतना बड़ा घटना घट जाता है। उसे उसके ससुराल वालों द्वारा मार के बाथरूम में फेंक दिया जाता है और कहते हैं कि वो स्लिप करके गिर गई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि वो मुंह दबाने और गले दबाने से उसका हत्या हुआ है। तो हम सभी आज एकत्रित हुए हैं कि हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, और इस न्याय के लिए हम लोगों को ये कैंडल मार्च अगर यूपी तक ले जाना पड़ेगा तो हम लोग पैदल यहाँ से यूपी तक जाएंगे जब तक हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सिलवानी विधानसभा के यशस्वी विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य से अनीता पटेल, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कारिणी सदस्य। माननीय ठाकुर रामपाल सिंह जी राजपूत सिलवानी विधायक एवं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन को जन्मदिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से वैभव जैन, सौरभ जैन।